बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। ये देखें क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं अपने भाई के घर। आज हमारे भाई के घर हमारी दावत है तो हम अपने भाई के घर जा रहे हैं। ये देखें हम लोग रिक्शे में हैं और ये हमारे मियाँ हैं, ये बाइक पर हैं दोनों बच्चों के साथ। देखिए दोनों बच्चों के साथ ये हैं बाइक के ऊपर और हम दोनों माँ बेटी हैं रिक्शे के अंदर। इसी तरह जाते हैं हम लोग। तो बच्चे खुश हो रहे हैं, देखिए कि इनकी मम्मा इनकी वीडियो बना रही है। मैंने सोचा रिक्शे से वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊं कि मेरे मियाँ बाइक पे जब इन्हें लेके जाओ तो मेरे साथ हम लोग किस तरह से जाते हैं। ये हम इस टाइम गुजर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। रोडों पे बहुत रश है, ईद का चौथा दिन हो गया है लेकिन अभी रोडों का रश ख़त्म नहीं हुआ है, हद से ज़्यादा रोडों के ऊपर रश है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। देख रहे हैं आप काफ़ी सारे लोग हैं रोडों पे जो निकले हुए हैं। अभी लग नहीं रहा कि ईद का चौथा दिन है और ईद ख़त्म हो गई है। दुकानें भी जुम्मा है तो सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम पहुंच गए हैं अपने भाई के घर। ये उन्होंने लगा दिया है यहाँ पे दस्तखान। ये हमारी दूसरी बहन है वो भी आई हुई हैं। ये मेरे मियाँ बैठे हुए हैं, ये देखिए दस्तखान लगा दिया है। हमारी दूसरी बहन बैठी हुई हैं बड़ी, मुझसे जो बहन है, हम सबसे बड़ी बहन है हमारी। ये हादी बैठे हुए हैं मेरे बेटे का दोस्त। ये मिठाई, पहले उन्होंने नाश्ता लगा दिया था। ये हैं काले छोले जो हमें बहुत पसंद हैं। हमने तो खैर कुछ खाया नहीं था क्योंकि बीपी हाई होता है, तो यह मिक्स चिप्स नीमको वगैरह ये तो हम लोग कुछ खाते नहीं हैं। मैंने खाए थे खाली काले छोले जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और उसके ऊपर हमने डाल लिए थे थोड़े से चिप्स वगैरह बस। और बाकी पी थी हमने कोल्ड ड्रिंक, और कोई चीज़ हमने कहा ही नहीं थी क्योंकि आपको मालूम है कि ज़्यादा कुछ खाओ तो तबीयत हो जाती है ख़राब। ये देखिए मैंने इसमें छोटा सा चाट मसाला डाला था, थोड़े से हमने इसके ऊपर डाले थे ये चिप्स सादे वाले, और बस ये हो गई थी हमारी प्लेट रेडी। मैंने सिर्फ ये खाए थे, देखिए ये पी थी हमने खाली कोल्ड ड्रिंक, बाकी कोई चीज़ नहीं खाई थी क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी कम नहीं पड़ी, कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें खाने का मतलब है अपने आप को बीमार करने वाली बात। ये मेरी भाभी हैं जिनके घर हम गए थे पूरा। ये बच्चे बैठे हैं, एक कमरा, दोनों भतीजे हमारे। ये बच्चे बैठे हुए हैं, लीडो खेल रहे हैं, आराम से बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। अभी नया नया ही लिया है इन्होंने घर, ना नया नया घर है, हल्के हल्के करके सेट कर रहे हैं। आपको पता है कि रमज़ानों में कोई काम नहीं होता, तो अब ये है कि हल्के हल्के जैसा करके होगा ऐसे हल्के हल्के करके उसे करते रहेंगे, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से काफ़ी कर लिया है इन्होंने सेट। देख रहे हैं इसके ऊपर इन्होंने जितनी चीज़ें रखी हुई थी वो सब बच्चों की वजह से हटा दी, क्योंकि आपको मालूम है बच्चे आके कैसी तबाही मचाते हैं। तो जो जो चीज़ें इनके बच्चों के बॉडी वार्ड रखे थे सब उन्होंने हटा दिए साइड में। इनके बच्चों की तस्वीर जो लगाई हुई उन्होंने दरवाजे पे, तीनों बेटे हैं इनके। दूसरा कमरा है इनका, यहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं। सॉरी खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है। दूसरे दरवाजे पे इन्होंने लगाई हुई हमारी अम्मी की तस्वीर। हम सब बहन भाई सहन में बैठे हुए थे और ये बहुत बड़ी तस्वीर लगी है पूरे आधे दरवाजे पे ना, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी अम्मी बैठी हुई और हमें देख रही हैं हम लोगों के साथ ही। देखिए मेरी बेटी का सूट येलो कलर का, आप बताइएगा कैसी लग रही है मेरी बेटी, कैसा लग रहा है आपको इसका सूट। देखिए पूरा सूट है इनका ये। वीडियो अच्छी लगी है देखिए,
मेरी बेटी ने मेरे हाथ से मोबाइल लेके कह रही, मम्मा आप अपनी वीडियो तो बनवा लो, आप सबकी वीडियो बना रही हो, थोड़ी सी मेरी वीडियो भी बनाइए। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे हम जहाँ जा रहे हैं वैसे वैसे आपको अपने भाइयों के घर दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि ऐसे में सारे होते हैं, लोग बोलते हैं आपने अपने भाइयों के घर नहीं दिखाए, आपके भाई आपसे मिलते नहीं हैं या आपके घर वाले आपसे नहीं मिलते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे सारे घर वाले, सारे बहन भाई सब हमसे मिलते हैं। बस ये सिर्फ एक सिर्फ मैं ही यूट्यूब के ऊपर आई हूँ, वरना जो हमारी भतीजी वगैरह हैं, हमारे भाई की बहुएँ हैं, वो हैं यूट्यूब के ऊपर। देखिए मेरी भतीजी जिसका मैंने आपको दिखाया था कि चैनल खोलने जा रही है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी अपना चैनल खोलेगी। हमारी भाभी जिनके घर हम आए हुए हैं, बस वो भागती फिर रही हैं, इधर से उधर उधर से उधर सब में काम करती फिर रही हैं। मेरे मियाँ बैठे हैं सहन में, इनका फ्रिज रखा हुआ है, दूसरे साइड पे इनका टीवी रखा हुआ है, इनकी बहुएँ हुए सब आई हुई हैं। ये मेरी भतीजी मुझसे कह रही है कि पप्पू मेरी वीडियो बना दो, मास्क लगा लिया इसने, कह रही पप्पू बना लिया, मैंने मास्क लगा लिया, वह मेरी वीडियो बना लिया आराम से। पार्लर वाली है, पार्लर का ही खोलेगी। ये देखिए इनका दुम्बा, इन्होंने बच्चा लेके पाला है, बकरा ईद में काटेंगे, ये हर दफ़ा पालते हैं, हम लोग खाएंगे इसकी कढ़ाई, इसके तिक्के, फिर आपको वो भी दिखाएंगे, इसको बकरा ईद में अगर वो ज़िबा करेंगे तो उसे ज़िबा होते भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो ये बच्चा है, थोड़ा स्मार्ट सा है, अभी खा बीमार पड़ गया था बीच में, तो अभी उठा है, तो अब देखें। और ये ऊपर इनका घर है, वहाँ अंधेरा था तो इसलिए हमने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि लाइट नहीं थी तो अंधेरे में क्या वीडियो बनाते। यहाँ की लाइटें बहुत जाती हैं, ढाई ढाई तीन तीन साढ़े तीन तीन घंटे की। देखिए इनका किचन पूरा, ये भी अभी सेट करेंगे, बस अभी ऐसे ही जैसा था वैसे ही आके थोड़ा सेट करके रहना शुरू होगा ये लोग, अब जैसे जैसे रहेंगे वैसे। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे खाना लग गया है, यहाँ है सलाद, ये है रायता, रायता सादा ही बनवाया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खा खा के जो है ना वो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए रायता जो है वो उसमें हरी मिर्ची वगैरह कुछ भी नहीं डलवाई थी, बस खाली ऐसी दही पिटवा खाली फेंट लिया था क्या ना, बस खाली नमक डाल के ताकि मैदा जो है वो बिल्कुल सेट रहे। ये है बिरयानी, चिकन बिरयानी बनाई थी इन्होंने, लाइट नहीं आ रही, इनकी लाइट चली गई है, रात को आई थी लाइट इनकी 12 बजे। सब बैठ गए हैं, देखिए इन्होंने बनाया था मीठा कस्टर्ड है, और कस्टर्ड में इन्होंने सेवैयाँ वैयाँ डाली हुई हैं, अच्छा मज़ेदार बनाता है, यमी यमी सा VIP सा ज़बरदस्त सा मीठा बना हुआ है, जिस जिसके मुंह में पानी आ रहा है वो भी आ जाए खाने के लिए। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये बच्चे बैठ गए खाने के लिए, ये हमारा भाई, ये देखिए सबने खाना खाना है, मेरा बड़ा बेटा बना रहा है सबकी वीडियो, देख रहे हैं हम सब बैठ गए खाने के लिए। ये है मेरा बड़ा भतीजा, चलिए हम लोग खाते हैं अपना खाना, चले हम लोग खाते हैं अपना खाना, आपसे लेते हैं इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए।